ज़ॉम्बीज़, ड्रैकुलास और बहुत सारे मम्मी ने शहर में अटैक कर दिया था। एक आदमी का मर्डर हो जाता है। क्या आप क्राइम सीन को देख के बता सकते हैं कौन किसने किया होगा, ज़ॉम्बी ने, ड्रैकुला या मम्मी ने? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फुटस्टेप्स को देखिए, इंसानों जैसे है और स्टेप्स में कपड़े के भी मार्क्स है। ये मम्मी ही हो सकती है। ये खून मम्मी ने किया है। तभी खबर मिलती है कि रात में एक बैंक में चोरी हो गई है। क्या आप क्राइम सीन को देख के बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? चोरी देर रात हुई है, मतलब ड्रैकुला आ सकते हैं। और डोर देखिए लॉक्ड है और विंडो ऊपर से टूटी हुई है, मतलब जरूर ड्रैकुला बैट बनकर अंदर आए होंगे और पैसों के बैग्स लेके चले गए होंगे। वहीं ज़ॉम्बीज़ अंकित के पीछे पड़ जाते हैं। अंकित तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे तीन रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में ट्री के ब्रांचेस पड़ी हुई है और तीसरे रास्ते में आग है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता ले सकता है अंकित, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आप सोच रहे हैं कि अंकित रास्ता सी लेगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, तो आप गलत है। अंकित आग वाला रास्ता कैसे क्रॉस करेगा? अंकित रास्ता 2 से ब्रांच उठाएगा, रास्ता 3 से उसमें आग लगा देगा, पहले रास्ता 1 क्रॉस करेगा और फिर पेट्रोल पे आग लगा देगा। तो ज़ॉम्बीज़ रास्ता 1 क्रॉस नहीं कर पाएंगे और अंकित बच जाएगा। वहीं सोनल के पीछे ड्रैकुला लग जाता है। सोनल भागते हुए जाती है तो उसे सामने छुपने के लिए तीन शॉप्स दिखती है। पहला एक जिम है, दूसरा एक मेडिकल स्टोर है और तीसरा एक ज्वेलरी शॉप है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी शॉप सोनल के लिए सेफ होगी, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सोनल के लिए सी, ज्वेलरी शॉप सेफ होगी। ड्रैकुला को सिल्वर से डर लगता है और ज्वेलरी शॉप में सोनल को आराम से सिल्वर की चीजें मिल जाएगी। सोनल ज्वेलरी शॉप में जाती है और बच जाती है। तभी रास्ते में एक डेड बॉडी और मिलती है। क्या आप डेड बॉडी को देख के बता सकते हैं इसे किसने मारा होगा, ज़ॉम्बी मम्मी या ड्रैकुला ने? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बॉडी पे नाइफ लगा हुआ है लेकिन खून बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी नीली पड़ गई है, जैसे किसी ने खून निकाल लिया हो। ड्रैकुला खून पीते हैं, मतलब जरूर ड्रैकुला ने इसे मारा होगा। तभी सूरज निकलने लगता है और रोहन की नींद खुल जाती है। ये सब बस एक सपना था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तेज गर्मियों का समय था और मेहुल एक दुकान में अपने लिए टी शर्ट खरीद रहा था। तभी उसे कॉल आता है कि एक घर में मर्डर हो गया है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। मर्डर के वक्त घर में एक कुक और माली मौजूद थे। मेहुल उनसे पूछताछ करता है तो माली कहता है, सर मैं तो सुबह ही बगीचे में पानी दिया और अपने घर चला गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। कुक कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह खाना बनाया और घर चला गया, मुझे भी कुछ नहीं पता है। मेहुल बगीचे में जाकर देखता है तो सचमुच बगीचे की मिट्टी गीली होती है, इसका मतलब माली ने पानी डाला है। फिर मेहुल डाइनिंग टेबल पे जाके देखता है तो वहां खाना रखा होता है, मतलब कुक भी सही बोल रहा है। तो खून किया किसने, मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझे? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बगीचे की मिट्टी अभी भी गीली है और माली कह रहा था उसने सुबह पानी डाला था। अब इतनी गर्मी में दिन भर में मिट्टी गीली कैसे रह सकती है, शाम तक तो वो सूख जानी चाहिए थी, मतलब उसने पानी अभी अभी यहां डाला है। मेहुल उसका ये झूठ पकड़ लेता है और उसे खून करने के इल्जाम में भी पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किसान के खेत में बहुत सारी सब्जियां और फल लगे हुए थे। वो किसान फ्राइडे को खेत पर जाता है और अंजीर, मतलब फिक, तोड़कर लेके आता है। उसके बाद वो सैटरडे को जाता है और स्ट्रॉबेरी तोड़ के लाता है, और संडे को जाता है तो गन्ना, मतलब शुगर केन, तोड़ के लाता है। अब उसके खेत पे चार तरह के फल और फूल बचे हुए थे, ग्रेप्स, मैंगो, जामुन और लीची। तो क्या आप बता सकते हैं मंडे को वो किसान कौन सा फल या फ्रूट तोड़ के लाएगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो किसान एक पैटर्न के आधार पर फलों को तोड़ रहा था, जैसे फ्राइडे को फिग, सैटरडे को स्ट्रॉबेरी, संडे को शुगर केन। वीक का पहला लेटर और फ्रूट का पहला लेटर सेम है, तो फिर मंडे को वो मैंगो तोड़ेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बंदर, एक कबूतर और एक कुत्ता बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां पे पांच जंगली भेड़िया आ जाते हैं और तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं बंदर, कबूतर और डॉग में किसकी जान बचेगी और कौन मर जाएगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जंगली भेड़िए को देखते ही बंदर तो तुरंत पेड़ पे चढ़ जाएगा, भेड़िए पेड़ पे चढ़ नहीं सकते, कबूतर उड़ जाएगा, तो बचा डॉग, वो अकेला रह जाएगा और भेड़िए उसे खा जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर भागते हुए एक नकली फेस वाली दुकान में घुस जाता है। मेहुल अंदर जाता है तो उसे चोर नहीं दिखता है। लगता है चोर ने नकली मास्क लगा लिया है। सामने तीन लोग खड़े हैं, तीनों में से किसी ने नकली चेहरा लगाया है। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं किसने नकली चेहरा लगाया होगा? ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला और तीसरा आदमी तो नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले आदमी के हाथ के कॉम्प्लेक्शंस देखिए, नेक के कॉम्प्लेक्शन देखिए, वो फेस से मैच नहीं करते हैं। मतलब इसने जरूर नकली फेस लगाया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसका फेस मास्क निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक छोटे बच्चे को प्यास लगी थी। वो मटके के पास जाता है तो मटका आधा भरा हुआ होता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। तो क्या आप बता सकते हैं वो बच्चा पानी तक कैसे पहुंच सकता है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे के आसपास देखिए काफी स्टोन्स पड़े हुए हैं। बच्चा एक एक करके स्टोन्स पानी में डालना शुरू कर देता है, उससे पानी ऊपर आ जाता है और बच्चा पानी पी लेता है। रोहन अपने दोस्त सोहन के घर जाता है। उसे काफी देर से बाथरूम आ रही थी, तो वो उठ के बाजू वाले कमरे में जाता है। उसे वहां तीन दरवाजे दिखते हैं। तीनों दरवाजे एकदम सेम है। क्या आप इन दरवाजों को देख के बता सकते हैं बाथरूम का दरवाजा कौन सा हो सकता है? ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों दरवाजे बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरे वाले दरवाजे के बाहर पायदान रखा हुआ है। इसका मतलब बाथरूम यही होगा। बाथरूम में पैर गीले हो सकते हैं, इसलिए पैर पोछने के लिए दरवाजे के बाहर पायदान रखा जाता है। रोहन ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों हलवाई को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा हलवाई गंदगी रखता है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हलवाई ए गंदगी रखता है। उसकी मिठाइयों पे देखे मक्खियां झूम रही है, लेकिन वो मजे से मिठाइयां बना रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।